आजम खान के बेटे का छल का दर्द। पूरे जिले में ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी बात ना हो। आप बीती बताते हुए रो पड़े अब्दुल्ला आजम। मैं ठीक नहीं हो सकता, एक दौर में यूपी की सियासत में सबसे मजबूत मुस्लिम नेता माने जाने वाले आजम खान का कुनबा योगी राज में किस हालात से गुजरा है, ये बताते हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने वो काम देखे, यहाँ तक बहुत से लोगों ने बहुत काम देखे, बहुत से अपनों को खोया है। यही शाहरुख खान खड़े हैं, अपने वालिद के इंतकाल में शरीक नहीं हो सके। मैं आज तक अपनी नानी के इंतकाल में नहीं जा सका, ना ताजियत में जा सका। मैंने अपने वालिद को, लोग कहते हैं कि मोर्चे होते हैं, मैंने मोर्चा होते नहीं देखा। और जब उनको बाहर से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थी। जाने वक्त 2 मिनट बाद खुली और मुझसे कहा, बेटे का मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि योगी राज में उनकी माँ और बाप के साथ खूब ज्यादतियाँ हुई और उन्हें बेपनाह तकलीफों से गुजरना पड़ा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कोई मेरा मुखालिफ हो सकता है, आजम खान साहब का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन शायद पूरे जिले में ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी बात का मुखालिफ हो। वो बिना था मेरी बेगुनाह बेखता 10 महीने तक जेल में रखी गई। बहुत सी रातें ऐसी आई जब ऐसा लगा कि आने वाला सवेरा देखने के काबिल नहीं बचे और जेल में ही मार दिए जाएंगे। आप सबसे मुलाकातें भी होंगी, लेकिन एक बात बस कह रहा हूं, जब लोग जेल में मुलाकात करने आते थे तो वो यही कहते थे कि आजम भाई जब से आप गए हो ऐसा लगता है कि सर पे से सरपरस्ती खत्म हो गई है। आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला भी 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं। फर्जी पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे। यूपी में चुनाव का मौसम है और ऐसे में आजम खान की कमी खल रही थी, लेकिन अब अब्दुल्ला आजम अपने पिता की जगह चुनावी हुंकार भर रहे हैं। अब्दुल्ला के बयान उनके समर्थकों पर गहरा असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।